हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पंजाब। तो आप दोनों साइड देख सकते हो हाईवे के खेत ही खेत है, यानी कि इसका मतलब है कि हम पंजाब में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से अभी अम्बाला है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर बाकी है, और उसके आगे चंडीगढ़। तो पिछले 4 घंटों से लगातार हम लोग बाइक चला रहे हैं और जो ये हाईवे है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब ये अभी अभी नया हाईवे बना है, किसी को अभी तक इसका शायद पता भी नहीं है, क्योंकि हमारे अलावा, हम चारों के अलावा एक बुलेट का राइडिंग ग्रुप है, वो पीछे है हमारे। और 4 घंटों में शायद से हमने 4 से 5 गाड़ियाँ देखी होगी, उसमें से 2 कार थी और 2-3 ट्रक्स। बस उसके अलावा हमने कोई एक गाड़ी तक नहीं देखी अभी तक, क्योंकि हाईवे एक तो जस्ट बना है, आप देख सकते हो कैसी कंडीशन है हाईवे की, एकदम टिप टॉप कंडीशन। और अभी तक किसको पता भी नहीं होगा शायद ये हाईवे के बारे में, इसीलिए। और एक्चुअली अभी तक ये खुला भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हम लोग जो है, हम चारों और वो बुलेट वाला ग्रुप, कम से कम 3 से 4 मिट्टी के ढेर पर से बाइक लेके निकले हैं। मतलब छोटा सा माउंटेन जैसा था मिट्टी का, वो 3 से 4 बार हुआ हमारे साथ, कैसे रोड के बीचों बीच एक मिट्टी का माउंटेन बना हुआ था और उसके ऊपर से हम लोगों ने बाइक चढ़ा के पार करते हुए जा रहे हैं। और अभी हमारा डेस्टिनेशन है अम्बाला। तो अम्बाला यहाँ से मैंने जैसे कि कहा 100 किलोमीटर दूर है। तो आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग तो देखा ही होगा, जिसमें हम चारों एक गांव में फंसे हुए थे हरियाणा के, क्या नाम था, मैं नाम भी भूल गया उस गांव का। तो वहाँ पे खाना वगैरह खा के आधा घंटा सो के हम लोग 2 बजे वहाँ से निकले हैं, और अभी बज रहे सुबह के 6। तो हम 2 बजे से 6 बजे तक नॉनस्टॉप बाइक चला रहे। अच्छा हो गया कि उस गांव में एंटर करने से पहले हम चारों ने फ्यूल टैंक हमारे फुल कर दिए थे, नहीं तो इस रोड पे अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमने इस रोड पे कम से कम 150 किलोमीटर के भी ऊपर बाइक चला दी है। मेरे ख्याल से तो 200 किलोमीटर तो कंप्लीट हो चुके इस हाईवे पे चलाते हुए, और अभी तक हमें एक भी पेट्रोल पंप या एक भी रेस्टोरेंट या एक भी छोटा सा ढाबा कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। और अभी फ़िलहाल मेरे फ्यूल टैंक में 2 स्ट्रिप बची हुई है, मतलब मेरे ख्याल से 4-5 लीटर के आसपास पेट्रोल हो सकता है, मतलब मैं रिजर्व का पकड़ के बोल रहा हूँ आपको। तो अभी ऐसा फ़िलहाल सिचुएशन है। तो अभी देखते हैं, अम्बाला से पहले हमें पेट्रोल भरवाना ही होगा, क्योंकि बहुत कम हो रहा है पेट्रोल, और मेरे हिसाब से हमारी बाइक अम्बाला तक नहीं पहुंचेगी इस पेट्रोल में। तो अभी यहाँ पे मैं रुकाता हूँ और इन लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ पे मिलेगा हमें, क्योंकि ये शायद लोकल है तो इनको ज़रूर पता होगा। भाई इधर पेट्रोल पंप किधर है? पीछे रह गया। कितना दूर? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा। अच्छा, आगे कितना दूर होगा? आगे तो आपको, आगे रास्ता बंद है। बंद है? पूरा बंद है? बाइक भी नहीं जा सकती? पेट्रोल कितनी है तुझाकडे? खूप है? खूप नहीं है। मैं तो बोलतो मागे 1 किलोमीटर पेट्रोल पंप है खाली, तो सांगतो रस्ता बंद है। अम्बाला जाना है? अम्बाला आगे रास्ता बंद है, तो वो मिट्टी का ढेर लगा रखे हैं। हाँ, तो उसके ऊपर से जाती है ना बाइक, हम लोग 2-3 पार करके आए वैसा। इधर बहुत ज्यादा है तो मिट्टी ऐसा। पहले अपन पेट्रोल भरू ने 2 काड्या बाकी है फक्त, रिस्क न कोई। नहीं, पहले पेट्रोल भर के आते फिर वापिस जाते, क्योंकि पेट्रोल खत्म हुआ तो वाट लग जाएगा। आगे है ना, ये प्लांट है, प्लांट से रास्ता उतर रहा है। हाँ, प्लांट से रास्ता उतर के और पास में पेट्रोल पंप है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। तो वापिस यू टर्न मार के जा रहे हम 1 से 2 किलोमीटर आगे, क्योंकि वहाँ पे बताया कि एक कोई तो प्लांट है, वहाँ पे पेट्रोल पंप है। देखिए अभी हम लोग हाईवे के रॉन्ग लेन पे चल रहे, दूर दूर तक कोई नहीं है आने वाला। इतना अच्छा रूट हमें मिला है, पर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो सकता था हमारे लिए और वो बुलेट वाले राइडर्स के लिए, क्योंकि एकदम मतलब कोई भी नहीं है इस रोड पे। क्योंकि इस रोड पे मैंने आपको जैसे बताया कि 4 घंटों से हम लोग चल रहे हैं, पर कोई भी ऐसा मिला नहीं है हमें कि वो मदद कर सके ऐसा। तो अभी देखते हैं यहाँ से नीचे
नीचे उतरने का रास्ता किधर है? शायद यही रास्ता होगा जाने के लिए। अभी है कि नहीं पता नहीं मैं ये रास्ता। ते तर गेल्यावर कळेल, पण तिथे जाणार कसं? इथून चल बघून येऊ। तो ये देखो अभी से ही ऑफ रोडिंग हमारी शुरू हो चुकी है सिर्फ पेट्रोल पंप ढूंढने के लिए। बाप रे क्या होगा यहाँ पे। वो पेट्रोल पंप पे जाने का है जाएगा। ये रोड पे जाऊँ? हाँ, अच्छा हाँ राइट में लेके आगे का रास्ता ये वाला। हाँ 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 तो ये यहीं पे पेट्रोल पंप है। ओके ओके चालू रहेगा। हाँ ओके थैंक यू। तो जैसे तैसे हम लोग वापिस सर्विस रोड पे लग चुके हैं। आपने देखा ही होगा क्या हालत हो गई यहाँ तक पहुँचने में, कितनी सारी मिट्टी वगैरह वो सब पार करके अभी पहुँचे हैं यहाँ पे। तो देखते पेट्रोल पंप भी खुला है कि नहीं। हाँ 6 बजे खुलेगा। अच्छा और दूसरा नहीं है किधर? मतलब ब्रिज के नीचे से जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो ये देखिए कैसा नया प्रॉब्लम सामने आया। वो बोल रहे हैं कि 6 बजे के बाद खुलेगा क्योंकि आज का रेट उन्हें आया नहीं है अभी तक, उस हिसाब से वो पेट्रोल दे नहीं सकते। तो अभी नया एड्रेस मिला है, ये सीधा जाके 2 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे देखते हैं। अभी वो अगर चालू रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो और कुछ जुगाड़ लगाएंगे, इधर तो और ढूंढना पड़ेगा हमें। तो मैं भी पंजाब में फर्स्ट टाइम बाइक लेके आया हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। ये देखो सबके साथ लदा हुआ है एकदम फुल पैक, कितना बड़ा है उन्होंने बनाया है। तो ये रहा पेट्रोल पंप, अभी देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। है पेट्रोल तो भर रहे हैं। सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, फिलहाल बजे है सुबह के 7 और मैंने आपको थोड़ी देर पहले गलती से कह दिया था कि हम लोग पंजाब में एंटर कर चुके हैं, पर ऐसा नहीं है। तो अभी तक हम हरियाणा में ही है, ये हरियाणा का लुधाना गांव है। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा वो सब मिट्टी के रोड से जैसे तैसे करके हम इस पेट्रोल पंप पे पहुँचे हैं और इधर टंकी वगैरह फुल की है। अभी वापिस वही हाईवे से जाने का प्लान है। तो एक बंदे ने कहा है कि वो आगे रोड बंद है, मिट्टी का ढेर लगा है, पर देखते अगर पार करने लायक होगा तो वो करेंगे क्योंकि वो रोड एकदम मस्त है। मतलब चंडीगढ़ तक वो रोड जाता है, नया नया खुला है। तो अगर वो रोड हमें कंटिन्यू करने मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके वजह से हम लोग शायद 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे चंडीगढ़। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, सब सामान तो वैसे ही पड़ा है, खाली गियर्स वगैरह हमने निकाल दिए हैं, वो अभी फटाफट पहनते और यहाँ से चलते। तो जस्ट अभी निकल चुके हैं उस गांव के पेट्रोल पंप से और अभी प्लान है कि कुछ तो खाना है पहले, तो क्योंकि रात को जब हमने वहां पे उस गांव में जो सरपंच जी मिले थे लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, वो शायद 12:30 कुछ तो रात के बजे होंगे, तो वही खाया था। उसके बाद कुछ खाया नहीं अभी तक, खाली इस पेट्रोल पंप पे चाय पिया है जो उन्होंने ही ऑफ़र किया था। तो अभी देखते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए क्योंकि 8:15 बज गए शायद और ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो चुका है। तो अभी कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है।
और अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग यानी कि डे 4 वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो यहाँ पे क्लिक करिए, अभी लिंक आ रहा होगा तो वहाँ पे क्लिक करिए और जाके देखिए, वो भी काफ़ी अच्छा व्लॉग था। और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया है अभी तक तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर देना। ये रहा इंस्टाग्राम का आईडी, यहाँ पर कहीं तो आ रहा होगा कोने में, तो उसे भी जाके फॉलो कर देना, क्योंकि अगर फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और उससे थोड़ी सी मोटिवेशन भी आती है वीडियोज़ बनाने के लिए। वैसे तो वीडियोज़ में बना ही रहा हूँ, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि यही हाईवे से ट्राई करे जाने की या फिर वो नए रोड से जो गूगल मैप बता रहा है वहाँ से जाए। अरे म्हटलं कुठून जायचं, याच रोड नहीं जायचं का? ते नाही माहिती। तो हम लोग अभी इसी हाईवे से ऊपर जाने वाले हैं जो नया वाला हमें मिला है, तो वो हमें छोड़ना नहीं है हाईवे, क्योंकि रोड तो काफ़ी बढ़िया है वो और उससे हम किलोमीटर जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे आ चुके हैं, सुबह में भी यहीं पे आए थे। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है और थोड़ा सा संभाल के चलाना होगा। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे, तो क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा इसी रोड के लिए होता है। अभी देखो मैंने क्रूज कंट्रोल एंगेज किया है और गाड़ी चली जा रही है अपनी, क्योंकि सामने कोई नहीं है और पूरा रास्ता खाली है, तो इसी के लिए ये बना है। तो आपसे भी गुजारिश है कि ऐसे ही रोड पे इसे यूज़ करें, ना कि किसी आपके सिटी के रोड में। तो चंडीगढ़ यहाँ से 200 किलोमीटर बता रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम उसे 3.5 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं अगर कंटिन्यूसली ऐसा रोड मिला तो। नहीं तो अगर गांव का रोड होगा या फिर सिटी के अंदर से अगर घुसते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है।